हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, क्या दिल से उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो क्या हैं आपके लिए। तो सारी बातें पता लगाएंगे आज की रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ व्हील्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ से, ओके, सिक्स नंबर है यहाँ पर, सेवन है, एट है, थ्री है, नाइन है, टेन है, सिक्स टेन नाइन थ्री एट सेवन, ओके, 99 मास्टर नंबर है यहाँ पर। तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग? सबसे पहली बात है कि ये पर्सन आपके आपको बहुत स्पेशल मानते हैं गाइस। आज भी, आज के दिन में भी आप उनके लिए उतने ही स्पेशल हो जब आप उन जब आप उनसे पहली बार मिले थे, जब उनको स्पेशल फीलिंग्स आई थी, वो फीलिंग आज भी है उनके दिल में, उनके उनके मन में आपको लेकर, ठीक है। बस ये अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको। ये चीज़ दिख रही है, आप आज भी अपने पार्टनर के लिए एक एम्प्रेस हो, ठीक है। और ये आपके अंदर ना जो इनके मम्मी की झलक इनको शो होती है, जैसे उनकी मम्मी बहुत केयर करती है इनकी, या इनके लिए हमेशा अच्छा चाहती हैं, अच्छा सोचती हैं, बिल्कुल वैसा ही वो आपको लेकर फील करते हैं, चाहे फिर आप लड़के हैं या लड़की हैं। बट यस, आपके पार्टनर में आपको ट्रू लव दिखता है कि आप उनके ट्रू पार्टनर बन सकते हैं, उनको सच्चा प्यार दे पाएंगे, ठीक है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और ये इस टाइम अपनी फीलिंग्स को ना रोक नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन बना हुआ है और आपको अपने पार्टनर का नाम हर जगह शो हो रहा है, या तो उनका नाम या उनका सरनेम आपको शो होता है, उनसे जुड़ी हुई बातें आपको दिख रही है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नियर फ्यूचर में। और वो आपको कुछ इस बार कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। कमिटमेंट भी हो सकता है, या आपको ये भी बात बता सकते हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं, वो आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो आने वाला जो एडवेंचर है वो आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। ये सारी बातें भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और वो थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन इस चीज़ का देंगे कि वो फ्यूचर कुछ कुछ ऐसा आपके साथ सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, हालांकि ये एक जगह पर रोक भी रहा है अपने अपने आप को कि ये ना बताए, बट ये मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कुछ तो न्यू बिगिनिंग कनेक्शन में होने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, हालांकि ये भी सोचते हैं कि अभी उतने मैच्योर नहीं है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि एक सीरियस कमिटमेंट में आना मतलब इनको इनका इनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ, तो इस तरह का भी एक ख्याल इनके माइंड में आ जाता है। लेकिन फिर भी आप स्पेशल हो और आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये अपनी बातें बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा परेशानी में भी दिख रहे हैं मुझे, और ये चाहते हैं आपके साथ एक ऑनेस्ट डिस्कशन करना लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, या जो भी इनसिक्योरिटी ये फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो सारी चीज़ें इनको डिस्कस करनी है आपके साथ, क्योंकि आपसे बात करके इसको अच्छा फील होता है, एक अच्छी एडवाइस मिलती है, या एक अच्छी फीलिंग आती है इनको जब भी ये आपसे बात करते हैं।
आपका चेहरा देखकर ही इनका दिन बन जाता है। केमिस्ट्री है गाइज आप दोनों के बीच में ना, काफी केमिस्ट्री है ये। केमिस्ट्री तो कम नहीं होगी, जहां बन जाती है फिर वहां कम नहीं होती है। सोलमेट्स, मैंने बोल लिया, मैंने ये बात बोली नहीं कि आप सोलमेट्स हैं, क्योंकि मुझे कार्ड आने का ही वेट करना था। इस पर्सन को फीलिंग आ रही है कि आप इसके सोलमेट हैं, क्योंकि आपको भुलाने की कोशिश भी कर चुके हैं बट ये भुला नहीं पाए, बल्कि और डबल ट्रिपल इसको आपकी यादें आने लग गई। अनरिक्वायर्ड लव, हालांकि फील ऐसा होता है कि भाई जब कोई बातचीत नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, बट केमिस्ट्री ना होकर भी केमिस्ट्री है। इनको लगता है देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, लेकिन फिर दूसरे ही हाथ पर इसको लगता है कि यस यहाँ तो बहुत केमिस्ट्री है। जब भुला ही नहीं पा रहे तो मतलब केमिस्ट्री है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। सोलमेट्स हो आप, ट्रू लव, ये ट्रू लव है, ये सोलमेट्स हो आप एक दूसरे के, दिस इज द ट्रू लव। और इसने आपके साथ अपना फ्यूचर भी देख लिया है, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देंगे एक टाइम पर, लेकिन अभी ये अपनी फीलिंग्स बताएंगे आपको, और फीलिंग्स भी कैसी, अपने दुखड़े रोने आएंगे ये कि ऐसा हो रहा है लाइफ में, वैसा हो रहा है, मैं ऐसे परेशान हूँ, ठीक है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। कम्युनिकेशन तो आ रहा है गाइज आपके पास, वो तो मुझे दिख रहा आता हुआ। सेपरेशन है, ये सेपरेशन ख़त्म होने के चांसेस हैं, अब हाई चांसेस हैं कि आपका सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। कीप एन ओपन माइंड, तब तक के लिए जब तक ये सेपरेशन चल रहा है आप ओपन माइंड रहिए। ये किसी से मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, ठीक है, आपको ओपन माइंड रहने की ज़रूरत है। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, और अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, ओके। तो ओपन माइंड रहना है, बिकॉज आपके जो सोलमेट हैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है, ठीक है, उनका टाइप डिफरेंट है, आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं एक दूसरे से। सो आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा। बहुत केमिस्ट्री है गाइस, ट्रू लव हो, सोलमेट्स हो, और पता है ये कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पर आप दोनों का टाइप अलग हो। आपकी सोल तो एक है बट आपका रहन सहन का तरीका, अगर एक बहुत ज़्यादा कैजुअल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड है, तो दूसरा इंट्रोवर्ड है। यहाँ पर एक को अगर पार्टीज पसंद है, दूसरे को नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन बहुत अच्छे चलते हैं आगे तक, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाओगे। आप अपने पार्टनर से कुछ सीखोगे, आपके पार्टनर आपसे सीखेंगे, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगा, और बहुत ज़्यादा आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत खुश रहोगे, बहुत हेल्दी लाइफ जियोगे इस कनेक्शन में रह के। डिवाइन कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ को लेकर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे आज मैसेज क्या देंगे आपको। मैच्योरिटी, अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, यही बोल रहे हैं। आप अपना इनर वर्क कीजिए, आपको आपका इनर वर्क करने के लिए कह रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैच्योरिटी के लिए इसीलिए बात हो रही, ताकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो और आप दोनों अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, ठीक है। इसीलिए द गार्डन, ये चाहते हैं आप अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्री हो जाएं और एक अच्छी लाइफ जिएं। आपके वेल विशर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इसने आपके साथ काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं आगे। आप कैसे अपने बिजनेस को एक साथ बिजनेस कर सकते हो, या मिलकर अपनी लाइफ बनाओगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है, तो ये भी आपके रिस्पेक्ट करते हैं, और ये ना सेक्सुअल भी काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे। इसे ना आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी सोल सब कुछ बहुत पसंद है। सोलमेट का कार्ड फिर से आ गया है, ये आपके प्यार में पागल है, इसको आपकी स्माइली आईज, हेयर, बॉडी फीचर सब कुछ बहुत पसंद है। आपका चेहरा बहुत पसंद है इस पर्सन को, तो ये आपकी सोल से भी प्यार करते हैं, आपकी बॉडी से भी प्यार करते हैं, आपकी आवाज़ इसे बहुत पसंद है, आपकी आईज़, आपका उठने बैठने का तरीका, बातें एक्सप्रेस करने का तरीका, हर चीज़ पसंद है। और क्यों नहीं होगी, आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सोलमेट्स हैं आप दोनों। जैसे आपको आपके पार्टनर बहुत पसंद है, आपको उनसे ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल कोई लगता ही नहीं है, तो आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। बस वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द फ्री होएं और अपने टारगेट जो हैं वो उन्हें अचीव कर लें, वो ये चीज़ दिल से सोच रहे हैं आपके लिए।
तो गाइज़ अच्छी रीडिंग है, अच्छी फीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशन आ रहा है, तो जितनों को कांटेक्ट आए 4-5 दिन के बाद तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने आ जाना, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज़, आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, तो टेक केयर गाइज़, बाय।